सो वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, अगर आपके पास भी प्ले स्टोर में कोई भी ऐप इंस्टॉल करने के बाद ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि मेरे में देख पा रहे हो, मैं गूगल इंडिक की वो डाउनलोड कर रहा हूँ लेकिन मेरे में यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है और लिखा हुआ है कैंट इंस्टॉल गूगल इंडिक की बोर्ड एंड यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर स्टूड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है अंडर स्टूड पर। इस प्रॉब्लम को कैसे दोस्तों फिक्स करेंगे, जब तक इस प्रॉब्लम को आप फिक्स नहीं करोगे तब तक आप कोई भी ऐप जो है डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर चले जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में, और सेटिंग में जाना है तो सेटिंग में जाने के बाद आपको आ जाना है नीचे की तरफ, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, तो सिंपली आपको ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सारे के सारे ऐप्स दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ पर उसी ऐप्स को ढूंढ लेना है, यानी कि प्ले स्टोर को ढूंढ लेना है। और यहाँ पर मैं प्ले स्टोर को जो है यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, और देखिए ये मेरा प्ले स्टोर रहा। मैं आपको भी प्ले स्टोर पर आ जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए नीचे लिखा हुआ है स्टोरेज, तो आपको क्या करना है स्टोरेज पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लियर डाटा करेंगे तो ओके कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपका ये क्लियर डाटा हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर को फिर से ओपन करना है और फिर से उसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, जहाँ तक कि आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर फिक्स नहीं हो रहा तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर फिर से इंस्टॉल करके देख लेता हूँ कि मेरे प्रॉब्लम फिक्स हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर देख पा रहे हो मैं फिर से जो है इंस्टॉल कर रहा हूँ वही वाला ऐप गूगल इंडिक कीबोर्ड, और देखिए अभी यहाँ पर पेंडिंग है। तो चलिए देखते हैं कि इंस्टॉल होता है कि नहीं होता है। तो ये इंस्टॉल होने लग गया है और ये डाउनलोड हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सब कुछ लाइव दिखा रहा हूँ, और अभी यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये इंस्टॉल हो रहा है या फिर वही प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए यहाँ पर ये इंस्टॉलिंग चल रहा है और फिर से ये प्रॉब्लम आ चुकी है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ आगे स्टेप क्या करना है। तो इसके बाद दोस्तों आपको फिर से जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से ऐप्स में चले जाना है, और ऐप्स में जाने के बाद दोस्तों आपको एक सेटिंग यहाँ पर ढूंढना है जिसका नाम है, एक ऐप ढूंढना है जिसका नाम है प्ले स्टोर सर्विस, गूगल सर्विस के नाम से भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं प्ले स्टोर सर्विस पर क्लिक करूँगा, देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको सर्च कर लेता हूँ कहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो ये लिखा हुआ है गूगल प्ले स्टोर, गूगल प्ले सर्विस, तो आपको गूगल प्ले सर्विस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे स्टोरेज पर चले जाना है, और स्टोरेज पर जाने के बाद इसका भी डेटा क्लियर कर देना है। यहाँ पर मैनेज स्टोरेज पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा ये, यानी कि फिर से इसका डाटा जो क्लियर है वो हो जाएगा। और उसके बाद आपको फिर से जाना है प्ले स्टोर में, आप जहाँ तक कि आप देखोगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये फिक्स हो जाएगा। मैं फिर से इंस्टॉल करके देखता हूँ, ये प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर जो है इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो।